चकदे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सी मितालीवाल लैके हाजिर हां तुहाडे लई देश विदेश दीआं खबरां। आओ नजर मारदे हां अज दीआं सुर्खियां वल। पुत्ती गिरफ्तारी तो डरदे खुद गिरफ्तार हुण पहुंचे प्रकाश सिंह बादल। डीजीपी दिनकर गुप्ता नूं कीता फोन, मैनूं करो गिरफ्तार। सुखबीर बादल ते मजीठिया नूं लग्या जस्टिस रणजीत ग्रहण, अदालत च होणगे पेश। अकाली भाजपा के लीडर काले कपड़े पा पहुंचे विधानसभा च। कांग्रेस खिलाफ नारेबाजी कर किया विधानसभा च वाकआउट। गुरदासपुर के सबका एसपी सलविंदर सिंह नूं भ्रिष्टाचार के बलात्कार मामले च हुई 15 साल की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना। हुण खबरां विस्तार नाल। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की गिरफ्तारी दी खबरों के चलदे अज उन्होंने पिता साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद ही चंडीगढ़ गिरफ्तारी देने लई पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह पता लगदिया ही पिंड बादल तो चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने पंजाब के पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता नूं फोन किया कि खेचल की लोड़ नहीं, जिथे कहोगे उत्थे ही आ जावांगे गिरफ्तारी देने लई। पुत की गिरफ्तारी दीयां खबरां ने प्रकाश सिंह बादल नूं इन्ना को परेशान कर दिता कि अज खुद साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपनी गिरफ्तारी देने लई चंडीगढ़ पहुंच गए। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार का इक्को निशाना है बादल परिवार नूं जेल भेजना। पंजाब दे चीफ मिनिस्टर साहब सरदार वरिंदर सिंह जी ने इलेक्शन तो पहला भी ते बाद भी और कमीशन बन वेले सिट बन वेले ये पहला ही आदे रहे है कि बादलों नूं अंदर देना। इसे तरह स्टेट प्रेजिडेंट जेडे कांग्रेस दे है उन्हां दे मुखारबिंद तो भी यही लफ्ज निकलते रहे, जिवें इन्हां दी गवर्नमेंट दी पॉलिसी या वन पॉइंट एजेंडा यही होवे कि कोई भी तरीका निकले बादलों नूं अंदर देना। मैं पंजाब पुलिस दे मुखी दिनकर गुप्ता नूं भी फोन कर दिता है कि खेचल करन दी लोड़ नहीं, जिथे वह कहणगे उत्थे ही आ जाणगे। और उत्थे डीजीपी साहब नूं भी मैं टेलीफोन किया कि डीजीपी साहब थोड़े चीफ मिनिस्टर साहब भी आदे है, थोड़े अटॉर्नी भी आदे है और मैनूं पता भी है कि जो कुछ हो रहा है ये पोलिटिकली हो रहा है, कोई इंसाफ या किसी इशू नाल इन्हां दी हमदर्दी नहीं। ये सिर्फ ते सिर्फ यह है कि किसी तरीके नाल इह जिहा एटमोसफीयर बनाइए कि बादलों नूं बादल नूं गिरफ्तार किया जाए। मैं डीजीपी साहब नूं आख्या कि तुहानूं कोई तरद्दत करन दी लोड़ नहीं, मैं इसे कम आया ते तुसीं कहो तो मैं हुणे आ जाना जग वेट कर लेना, या जिस वेले जिथे भी तुसी मैनू आखो मैं उत्थे आ जाना, कोई ड्रामे जे करन दी लोड़ नहीं। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वह बड़ी बार जेल जा चुके हैं, इसलिए कोई डर पै नहीं, इसलिए पूरा सम्मान लेके आए ने, जिथे चाहो गिरफ्तार कर लो। और कांग्रेस दियां ज्यादतियां भावे वह धार्मिक सन, भावे सियासी सन, भावे आर्थिक सन, भावे एमरजेंसी वर्गी लड़ाई सी, इन्हां दे खिलाफ डट के लड़ी है। ते मैनूं इन्हां ने भी बड़ियां बड़ियां जेलां बड़े बड़े दूर दराज ते हिंदुस्तान दे भेजिया, पर मेरे ते कोई मन ते असर नहीं, मैं उस गल च नहीं जाना चाहुंदा। इस लई मैं थोड़े थ्रू स्टेटमेंट भी मैं रिलीज कीती है ते ओह तुसी मेहरबानी करके जिन्नी भी कोशिश करके प्रेस दे सको, शायद मैनू भी फिर मौका ना मिले थोनों प्रेस अगे आउण दा, ते इसलिए ये सारी कोशिश करके लवा दिओ ते मैं बिल्कुल तैयारी आपदी किट लेके आया ते आके अगे भी मेरी किट हुंदी सी कि जदों मैं रखदा हुंदा सी, जदों मैनू कांग्रेस वाला आदे आए प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सारा ड्रामा है कांग्रेस सरकार दे वलों। उन्हें कहा कि कल तक चंडीगढ़ बैठ के गिरफ्तारी की उड़ीक करनगे। उन्हें कहा कि जदों भी कहोगे जिथे भी कहोगे आ जावांगे। उन्हें कहा कि यह तो मेरे लिए खुशी वाली गल होगी कि मेरा आखिरी सां कैप्टन दी जेल च निकले। मेरे मुताबिक सोच सकते हो, सुपने च भी सोच सकते हो कि मेरे वर्गा इंसान कदे कोई एही जी गलती करे। इस करके
एक ड्रामा है, सारा कमीशन मुकर्र करनी, सिट मुकर्र करनी, एक माहौल ते ड्रामा बना के अखीर नू इन्होंने ये करना है। मैं कहा एडमिनिस्ट्रेशन दा कानू टाइम जाया कर दे, लोगों दा काम कर दे, तुसी मैनू अंदर दे हो तो तुसी आप दा काम करो। बादल साहब आप चंडीगढ़ में ही बने रहेंगे, आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना तो कर लो आप। हैं जी, आप चंडीगढ़ में ही रहेंगे अगर वो अगले दो तीन दिन में आपको अरेस्ट करना चाहें और आप उनको। मैं जी आज तो चंडीगढ़ में हूँ, उनको कहा है कि कल तक भी मैं वेट कर सकता हूँ। ये तो नहीं कि 10 दिन ना वेट करे तो मैं यहाँ बैठा हूँ बगैर काम के, मुझे टेलीफोन कर दें, एक किसी तरह संदेश पहुँचा दें, जिस थाने में जिस सेट में जहाँ वो कहेंगे मैं उसी वक्त 5 मिनट के बाद चल पड़ूंगा, वहां आ जाऊंगा। नहीं तो ये ड्रामा करते हैं कि ये छापा मारा रात को, ये किया, वहां का क्या फायदा इन बातों से। भैया इनको इतनी सोच नहीं है, इतनी समझ नहीं, इतनी सोच नहीं। और मैं तो कहता हूं कि मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मेरी जिंदगी का अखीरा सांस अमरिंदर सिंह की जेल में निकले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सेवा मुक्त जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की योग्यता से सवाल चुकने वाले अकाली दल के दोवें सीनियर लीडर सुखबीर बादल ते विक्रमजीत मजीठिया नूं अदालत ने पेश होने के हुक्म दिए हैं। बुधवार को जस्टिस अमित रावल ने जस्टिस रणजीत सिंह वालों दी शिकायत से सुनवाई की, 25 मार्च को सुखबीर बादल ते मजीठिया नूं पेश होने के हुक्म दिए हैं। अक्तूबर 2015 वापरे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी ते प्रदर्शनकारी सिखां ते हुई गोलीकांड की जांच करन वाले सेवा मुक्त जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ने सुखबीर बादल अते विक्रम मजीठिया दोवां अकाली लीडर खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की मंग करदिआं शिकायत दित्ती सी। मामला जस्टिस रणजीत सिंह बारे मंदा बोलन दा है, जिस करके मजीठिया अते सुखबीर बादल कसूते घिर चुके ने अते अदालत ने कुछ दिन पहला ही जांच दे हुकम दिते सी, ते हुण जांच तो बाद सुखबीर बादल ते विक्रम मजीठिया नूं अदालत ने पेश होण दे हुकम दिते हन। बुधवार को जस्टिस अमित रावल ने जस्टिस रणजीत सिंह वालों दी शिकायत से सुनवाई की है। 25 मार्च को सुखबीर बादल ते मजीठिया नूं पेश होने के हुक्म दिए गए हैं। पड़ताल करन तो बाद ही इन्हां दोवां अकाली लीडरां नूं पेश होने ते अपना पक्ष दसण लई कहा गया है। सरहदी पिंड कन्हैया दे बेटे च पैंदी BSF दी BPO दे नेड़े पाकिस्तान दे वल्लों भारत च दाखल हुंदी पाक औरत नूं BSF दे जवानां ने काबू किया है। BSF जवानां ने औरत नूं रुकण दी वार्निंग दिती, औरत ना रुकी ते उन्हां ने फायरिंग कर दिती, जिस दे विच पाकिस्तानी औरत फायरिंग विच जख्मी हो गई अते हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। गुरदासपुर दे सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक दे सरहदी पिंड कन्हैया के बेटे च पैंदी BSF दी BPO दे नजदीक पाकिस्तान दे वल्लों भारत सीमा विच प्रवेश करदी इक औरत नूं काबू कीता गया है। सूत्रां दे मुताबिक औरत पाकिस्तान दी रहण वाली है। दस्या जा रहा है कि सवेर दे समय सरहद पार कर भारत सीमा विच प्रवेश करदी औरत BSF दे जवानां नूं दिखाई दित्ती। जवानां ने औरत नूं रुकण दी वार्निंग दित्ती पर औरत नहीं रुकी, उदों BSF दे वल्लों 2 राउंड फायर कीते गए। सूत्रां मुताबिक पाकिस्तानी औरत फायरिंग च जख्मी हो गई, जिस नूं जख्मी हालात विच BSF दे जवानां वल्लों सिविल हस्पताल डेरा बाबा नानक लिया गया, उतो उस नूं अमृतसर रेफर कर दिता गया। फिलहाल कोई भी अधिकारी इस घटना उत्ते कोई भी बयान देने नूं तैयार नहीं। दीनानगर दे एक निजी कॉलेज च हालात उस समय बिगड़ गए जदों उत्थे कश्मीरी विद्यार्थी ने भारत दा तिरंगा फाड़ के बाथरूम च सुट दिता। कॉलेज दे बाकी विद्यार्थी भड़क गए अते उन्हां ने चक्का जाम कर दिता अते कॉलेज दे माहौल नूं विगड़दा वेख भारी पुलिस वल वी तैनात करना पिया। गुरदासपुर के शहर दीनानगर विच उस समय हालात तनावपूर्ण बन गए जदों दीनानगर विच एक निजी कॉलेज विच एक कश्मीरी विद्यार्थी दे वल्लों भारत दे झंडे की बेइज्जती करन दा मामला सामने आया। कश्मीरी विद्यार्थी ने भारत दे झंडे नूं फाड़ के बाथरूम दे विच सुट दिता, जिस नूं लै के कॉलेज दे विद्यार्थियों ने कश्मीरी विद्यार्थियों के खिलाफ रोस प्रदर्शन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिते अते भड़के विद्यार्थियों ने कॉलेज मैनेजमेंट वल्लों मंग की कि कश्मीरी विद्यार्थियों नूं कॉलेज तों बाहर कढ़िया जावे अते उन्हां ते देश द्रोह दा मामला दर्ज किया जावे। उत्थे ही कॉलेज दे माहौल नूं विगड़दा देख उत्थे भारी मात्रा विच पुलिस बल तैनात करना पिया। बात है सी सर, एक संडे को हमने फ्लैग लगाया सर, आपने देखा सर दरवाजे के बाहर सब के सर, तो वो लड़का कश्मीरी लड़का हो सोहेल नाम का लड़का सर, उसने जो है सर अपने कमरे का हटा दिया, वो क्रश करके बाथरूम में फेंक दिया सर, और दूसरा सर का जो है वो फाड़ के इसने फेंक दिया। ठीक है, जिसका एक टुकड़ा हमारे पास हमारे को मिला था वो हमने सर के पास दे दिया है,
पुलिस वालों के पास। तो सर उसके बाद थोड़ा सर वो बढ़ गया, थोड़ा सर लड़ाई भी हो गई सर उसके पीछे सर। उसके बाद टीचर्स वगैरह सब आ गए, फिर शांत थोड़ा शाम को थोड़ा शांत करवाया। अगले दिन जब डायरेक्टर सर के पास गए तो डायरेक्टर सर ने बोला कि सबसे पहले तो आपको हमारी आपकी भी गलती है कि आपने हमसे परमिशन नहीं ली, कि झंडा लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए थी सर। उसके बाद उन्होंने कुछ उस लड़की को भी थोड़ा बोला, उसके बाद बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन आप सबके खिलाफ लिया जाएगा भाई अगर कुछ ऐसा होगा। सर हमारे खिलाफ किस बात का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जब सर हमारी कुछ गलती नहीं है सर। हाँ जी, फेसबुक वगैरह पे भी हैं सर उसके स्टेटस। फेसबुक पे क्या डाला था सर? फेसबुक पे सर सर आतंकवादी की पोस्ट डाली हुई थी सर, एक ये डाला गया था कैमरे में दिखाओ। ये पोस्ट डाली हुई थी, हमें बोला लिखा गया था ये पोस्ट उसने डाली थी उर्दू में। ठीक इस मामले विच जानकारी देंदे हुए जांच अधिकारी SHO सुखराज ढिल्लों ने दसाया कि कॉलेज के विद्यार्थी अतुल कुमार द्वारा पुलिस नूं शिकायत की गई सी कि कॉलेज विच पढ़ रहे एक कश्मीरी विद्यार्थी सुहेल भारती राष्ट्रीय झंडे की बेइज्जती की है। इस संबंधी कॉलेज विच पहुंच के असी जांच पड़ताल कर रहे हैं अते अतुल दे बयानां दे आधार ते कश्मीरी विद्यार्थी दे खिलाफ बनदी कार्रवाई की जाएगी। होस्टल दे विच बैठे हुए सी, इन्हां ने अपने अपने रूम्स दे अगे इंडियन फ्लैग्स दे लाए हुए सीगे, तो उतों कितों इंडियन फ्लैग रिमूव होया जी। तो उसके संबंध में अतुल नाँ का लड़का उन्हें अज कंप्लेट की है साढ़े को, हूँ दस रहा हूँ वो बयान स्टेटमेंट लिखनी है, उस तो बाद जो भी कार्रवाई है वो अकॉर्डिंग जो भी लाभ है हूँ ये दसूगा। फाड़िया गया कह रहा असी इन्हों का मतलब इन्हों के कहन अनुसार यदि मतलब सर्च की है, तो उस तो बाद आप अगली कार्रवाई कर रहे हैं कि कोई यह ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो नहीं, सानू कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिले इन्हों नू नाल लेके किया। हाँ जी, शहर वासियों के भी नाल ही इन्हों कि मतलब ये होना चाहिए वे, तो जो भी लाभ बनता वो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। असी अगेंस्ट जो भी हम स्टेटमेंट लिखनी है साढ़े को टाइम शॉर्ट सगा, जब बच्चे की स्टेटमेंट लिखनी है उन्होंने लैके जा रहे हैं, नाल लैके वो बयान लिखन लगे हैं। उस सुहेल के एयरपोर्ट बारे असं हम प्रशासन को पता करते हैं जो भी एड्रेस होगा। अज विधानसभा अकाली भाजपा के लीडर काले कपड़े पा के पहुंचे जिथे उन्होंने गल ना सुने जाते उन्होंने विधानसभा तो वॉकआउट कर दिता और बाहर आके जबरदस्त हंगामा कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोस भरपूर नारेबाजी की। पंजाब विधानसभा च सत्र दे सत्तवें दिन वीरवार नूं बिजली दी वधी हुई दरां नूं लै के अकाली भाजपा विधायकां ने जम के हंगामा करदे होए विधानसभा तों वॉकआउट कर दिता। अकाली भाजपा विधायक सवेरे काले कपड़े पा के विधानसभा च पुजे हुए सन। इस मौके अकाली विधायक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि सरकार दा कीता एक भी वादा अजे तक पूरा नहीं होया। अज श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दे मैंबर साहिबाना ने कल जो मुख्यमंत्री साहब ने इत्थे कई इहे जे ऐलान कीते जिहड़े पंजाब दी गलियां च पंजाब दे पिंडां च ऐलान दे रूप च ही रह गए हैं, अज तक वो ऐलान एक भी लागू नहीं होया। अते मजीठिया ने कहा कि साडी सरकार वेले ऐसी भाईचारे ते बैकवर्ड दा 200 यूनिट माफ सी बिना किसी शर्त, पर कांग्रेस ने सत्ता चाहते ही बैकवर्ड नू सारे बिल लगा दिते अते ऐसी भाईचारे दे सामने शर्त रख दिती। पंजाब दी कांग्रेस मौजूदा सरकार ने वादा कीता सी कि बादल साहब वेले जदों श्रोमणी अकाली दल बीजेपी दी सरकार सी 200 यूनिट हर महीने दा बैकवर्ड का भी माफ हुंदा सी ते एससी भाईचारे का भी हुंदा सी, ते उहदे च कोई लिमिट नहीं सी, शर्त नहीं सी। इन्हां ने की करता, पहली गल सरकार बनदे सार बैकवर्ड नूं तां पूरे बिल लाते, 30% बैकवर्ड भाईचारे की आबादी है जिहड़ी, मैं बिलां की गल कर रहा कंसर्नस 65% पॉपूलेशन पंजाब दी दा बैकवर्ड क्लास नूं तां पूरे रेट लाते। एससी भाईचारे दे विच इक शर्त फसाती कि जेड़ा 3000 तो वध यूनिट बालूगा ओनूं सबसिडी 2400 दी अलाउ नहीं होगी, ओनूं सारे ते बिल देना पऊगा, मतलब ओनूं पीनलाइज करन दा काम कीता। मजीठिया ने यह भी दसिया कि कांग्रेस सरकार सालाना 500 करोड़ रुपए एससी अते बीसी भाईचारे तो वसूल कर रही है। हजारां करोड़ असी तां मोटा जिहा हिसाब लैके आए हां
कि सालाना कोई 500 करोड़ रुपया एससी भाईचारे तो बीसी भाईचारे दियां जेबां चो कट के दो सालां च कोई 1000 करोड़ रुपया इन्हां ने बैकवर्ड ते एससी भाईचारे दी जेबां चो कटण दा कीता। मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह फिक्स करता है कि तुसी भावे बिजली वरतो जा ना वरतो पर बिल तुहानू आवेगा ही आवेगा। इन्होंने पक्का ही करता कि तुहानू फिक्स चार्जेस दा देनी पैणे आ भावे बत्ती पक्खा चलाओ ना चलाओ। नाल ही मजीठिया ने दिल्ली अते हरियाणा दी बिजली दीआं दरां नू दिखाया कि उत्थे किस नू किन्ने रुपए यूनिट में दित्ती जांदी है ते पंजाब दे विच की हाल है। फिर मैं तुहानू एक कंपैरिजन दे रहा आ दिल्ली दे रेट बत्ती दे जेड़े गरीबां वास्ते है वो 3 रुपए है हरियाणे च 2 रुपए है ते पंजाब च किन्ने है 5 रुपए 31 पैसे ते जेड़े डोमेस्टिक घरां दी गल कर रहे हैं ते जेड़े यूनिट थोड़े वध बाल दे है उन्हां वास्ते सब तो महंगी बत्ती 7 रुपए 78 पैसे पंजाब च सब तो महंगी बत्ती नॉर्दर्न रीजन च ये ला रहे हैं। गुरदासपुर के अडिशनल सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत के वलों गुरदासपुर के सबका एस पी सलविंदर सिंह नूं भ्रिष्टाचार और बलात्कार के मामले में पहला ही दोषी करार दिता गया सी अते आज अदालत के वलों सलविंदर सिंह नूं दुष्कर्म अते मामले में 10 साल अते भ्रिष्टाचार के मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई गई अते 50,000 रुपए जुर्माने का ऐलान भी किया गया जो इकट्ठे ही चलणगे। हुण सलविंदर सिंह नूं जेल भेज दिता गया है। पठानकोट एयरबेस अटैक समय चर्चा च रहे साबका एसपी सलविंदर सिंह नूं अज दुष्कर्म अते भ्रिष्टाचार दे मामले च अदालत च पेश कीता गया जिथे अज साबका एसपी नूं भ्रिष्टाचार मामले च 5 साल अते दुष्कर्म दे मामले च 10 साल दी सज़ा सुनाई गई अते 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इत्थे तुहानूं दस दईए कि 15 फरवरी नूं सलविंदर नूं इस मामले च दोषी करार दिता गया सी पर अदालत वल्लों सज़ा सुरक्षित रखी गई सी जिहड़ी अज सुनाई गई है। जिक्रयोग गल इह है कि इस मामले च 2016 च परचा दर्ज होया सी अते अदालत वल्लों दोषी करार 2019 च कीता गया। शिकायतकर्ता ने जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि उह लंबे समें तों इंसाफ दी लड़ाई लड़ रहे सन अते अज इंसाफ दी जित होई है अते उह खुश ने कोर्ट द्वारा जो सज़ा सुनाई गई है। जो भी फैसला कीता बड़े संजी नाल हर पक्ष तो ढंग नाल उन्हां दे वकीलां दीआं इह वी सी दलीलां फिर वध वध सज़ा पर घट्टो घट 10 साल बंदी ही उन्होंने दिती है। मैं प्रेम कुमार जी अडिशनल सैशन जज का तह दिलों धन्यवादी हाँ और सपोर्टिंग ऑफिसर पुलिस अफसर रहे ईमानदार उन्हों का मैं तह दिलों धन्यवादी हाँ। सन 2014 च मानयोग डी जी पी दिनकर गुप्ता जी ने साड़ी मदद की है अजो डी जी पी बने ने एडी जी पी सी उदों मैं उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद हाँ। गुलनीत सिंह खुराना ने भी साड़ी मदद की पठानकोट के IPS SSP मोगा लगे ने उन्हें भी तह दिलों धन्यवाद हाँ। ईमानदारी का ते सानू इंसाफ जिहड़ा वा इहदा मतलब समाज च इंसाफ हैगा जे करप्ट अफसर ना होण जां कोई ना विके अपना अपना ना वेचे तो इंसाफ मिल सकदा वा। इहो ही बेनती है भी लड़दे रहो तो कामयाब मिलदी मिलदी है। परमात्मा ते इक आस रख के लड़े हैं कोई साडी पैरवाई करन वाला नहीं इक अही ते रब डे हैं ते साडे धकाला साहब। इस मामले ते पत्रकारां नाल गलबात करदे होए दोषी साबका SP सलविंदर सिंह ने दस्सिया कि उन्हां नूं झूठा फसाया गया है ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ SP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਸ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਓਨਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਗਏ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੈਟਸ ਇਟ ਉਹ ਉੱਪਰਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰਾਲਾ ਜਾਣੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਗਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇ ਜਾਏਗੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਲੜਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 376 ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 376 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 12 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਡੀਓ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਬਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ 15 ਸਾਲ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਅਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ 4 ਵਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੇਅਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮ ਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ, ਐਮ ਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਐਮ ਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 55 ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਆਈ। ਜਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ 2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, 6 ਔਰ 7 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 5 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਗੋਲਬਾਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ,
और जो 12 प्लेटफॉर्म अमृतसर च होंगे। लंबे समय तो पंजाब दी जेलों में बंद बंदी सिखा की रिहाई ते बरगाड़ी कांड के दोषियों को सजा दवाने लई अज सिख संगठन द्वारा अमृतसर जेल के बाहर सरकार के खिलाफ रोस मार्च किया गया। इस रोस मार्च में सरबत खालसे के थापे गए जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा द्वारा बनाई गई पांच मैंबरी कमेटी के मैंबर भी पुजे। सिंह जी हवारा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों जी पांच मैंबरी कमेटी गठित की गई है, मैं उदा मैंबर हाँ। अज 20 फरवरी वाले दिन अमृतसर की जेल के बाहर अज एक शांतमई रोस धरना दिता जा रहा है। असी पंजाब सरकार को 15 फरवरी तक का एक अल्टीमेटम दिता सीगा कि जिहड़ियां साड़ियां बरगाड़ी दियां जायज़ मंगां ने जिन्हां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी करन वाले दोषी बहबल कला कांड के जिहड़े पुलिस अफसर दोषी ने जिन्हां विच DGP सुमेर सिंह सैनी अते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री ते डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शामिल हन, इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाए। तो जिहड़े साढ़े दहाकियां तों साढ़े नौजवान बंदी सिंह जेलां दे विच डके ने, विशेष तौर पर वह जिन्हां ने कि अपनी सजावां पूरियां कर लईआं ने, अजे तक उन्हां नूं इंसाफ नहीं दिता गया, उन्हां दी रिहाई नहीं हुई। तो नाल दे नाल नकोदर बंब कांड दे विच जिहड़े चार सिंह शहीद हो गए सीगे, उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते मौर बंब कांड दे इंसाफ लैण लई अते हुणे नवां शहर की अदालत वल्लों जिहड़े तीन सिंघां नूं उम्र कैद दित्ती गई, उह सारी गल्लां दा रोस प्रगट करन वास्ते अज इत्थे सारियां सिख जथेबंदियां पंज मैंबरी कमेटी अते इलाका निवासी पिंडां तों सारे लोग इकट्ठे होए ने। असीं इत्थे एक रोस प्रदर्शन कर रहे हां, असीं अपने रोस प्रदर्शन दे राहीं अंतरराष्ट्रीय तौर ते अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हां, पंजाब सरकार तक आवाज़ बुलंद कर रहे हां, केंद्र सरकार तक आवाज़ बुलंद कर रहे हां कि साडियां जिहड़ियां जायज़ मंगां ने उह तुरंत पूरियां कीतियां जाण। ते जिहदे नाल असीं चाहुंदे हां कि जिहड़े बंदी सिंह ने उह अपने घरां विच आ करके अपना जीवन जिहड़ा है सुखमई ते आनंदमई तरीके नाल बतीत कर सकन। अज दा ये धरना शांतमई है, रोसमई धरना जिहड़ा है शांतमई है। ते इहदे बाद असी पटियाले दी जेल, नाभे दी जेल अते बुड़ैल जेल उत्थे भी जा करके शांतमई रोस धरने देंगे, जिहदे नाल कि साडियां मंगां जिहड़ियां ने पूरियां हो सकन। इह धरना शांतमई चलेगा, सानूं अकाल पुरख ते पूर्ण भरोसा है कि ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੌਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਸਮਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਕਦੇ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।